बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया को लगभग 63,000 वोटों के अंतर से पराजित किया है। सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया ने भूमि पुत्र का कार्ड खेला था, लेकिन ये उनके काम नहीं आया। बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया को लगभग 63,000 वोटों के अंतर से पराजित किया है। पूरे पश्चिम बंगाल में जो चंद हाई प्रोफाइल लोकसभा के मुकाबले थे, उनमें आसनसोल भी था। एक तरफ टीएमसी के निवर्तमान सांसद, हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार और बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा, तो दूसरी तरफ खुद को आसनसोल का भूमि पुत्र बताने वाले और वरिष्ठ सांसद सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था कि आसनसोल लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर होगी, और हुआ भी वही। मतगणना के दिन सुबह से ही शत्रुघ्न सिन्हा और सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया के बीच वोटों की रस्साकसी देखी गई। कभी सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया आगे होते तो कभी शत्रुघ्न सिन्हा। आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा ने 63,000 मतों के अंतर से बाजी मारी। मतगणना स्थल आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल की जनता को धन्यवाद दिया। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी पूनम सिन्हा भी मौजूद थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ये जीत आसनसोल की जनता की जीत है। ये जीत है ममता बनर्जी द्वारा उनके ऊपर दिखाए गए भरोसे की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में सबसे पहले लोकसभा चुनाव के लिए उनके नाम की घोषणा प्रत्याशी के रूप में की थी, आज नतीजे आने के बाद उनको लगता है कि ममता बनर्जी को उन पर कितना भरोसा था, और उन्हें इस बात की खुशी है कि आसनसोल की जनता के आशीर्वाद से वे ममता बनर्जी के भरोसे पर खरे उतरे हैं। जिस तरह से एग्जिट पोल को धन शक्ति का दुरुपयोग करवा के जिस तरह से सारे के सारे एग्जिट पोल इस बार गलत नहीं बल्कि झूठे साबित हुए, वो लगा कि सरबारी गा रहे थे वो लोग और लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की, जबकि लोगों की मान्यता थी, लोग जानते थे और मानते थे इस बात को कि इस बार यूनाइटेड ऑपोजिशन छा जाएगी, एनडीए की सरकार जाएगी, इंडिया ब्लॉक या यूनाइटेड ऑपोजिशन सामने आएगी, ममता जी इस बार गेम चेंजर बनकर सामने आएंगी, ये हम शुरू से कह रहे थे। और साथ में ये भी कह रहे थे कि चाहे एग्जिट पोल कुछ भी बोले, बंगाल में ममता जी इस बार स्वीप करेंगी, और करके उन्होंने दिखा दिया। ये जो जीत हुई है, ये आसनसोल की जनता जनार्दन की जीत है, ये ममता जी का हमारे प्रति विश्वास की जीत है, ममता जी के नेतृत्व की जीत है, टीएमसी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की जीत है, और सबसे ज़्यादा ममता जी के व्यक्तित्व का जादू जो लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है, उसकी जीत है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। समाज सेवा के पथ पर हमेशा अग्रसर लायंस क्लब ऑफ रानीगंज द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वसनीय लायंस MJMI हॉस्पिटल। लायंस MJMI हॉस्पिटल के अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ द्वारा नेत्र जांच एवं अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, एक्सरे के बाद अनुभवी चिकित्सकों द्वारा सफल नेत्र ऑपरेशन किया जाता है। हमारे अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाजी सरकार, डॉक्टर अब्दुल कयूम, डॉक्टर चित्रांशु सामंत और डॉक्टर उत्पल पाल का लाभ दूर दराज से आए मरीजों को मिलता है। रानीगंज आई हॉस्पिटल के साथ जुड़ा बेहतर चिकित्सा का एक और पहल रानीगंज लायंस राम अवतार बाजोरिया मेमोरियल डायबिटिक केयर सेंटर। यहां भी मरीजों को मिलेंगे अनुभवी चिकित्सक एवं अत्याधुनिक लैब की सुविधा। रानीगंज लायंस MJMI हॉस्पिटल की बेहतर चिकित्सा के लिए दक्षिण बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार एवं ओडिशा राज्य से भी मरीज चिकित्सा कराने आते हैं। मरीजों के सुविधार्थ उपलब्ध है 24 घंटे एम्बुलेंस एवं हाइजीनिक रेस्टोरेंट की सुविधा। रानीगंज लायंस MJMI हॉस्पिटल, NSB रोड, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 03412445205, 2443205, 2445242।